दोस्तों आप लोगों के ऑन डिमांड पे आर्ट्स एंड कॉमर्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल लेके आया हूँ। मैंने सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्लास 11 का टाइम टेबल बनाया था। आप लोगों ने दिल खोल के उसको प्यार दिया था, लाइक दिया था, कमेंट दिया था और रिक्वेस्ट किया था कि जितने भी कोर्सेज का आप पढ़ाई करवा रहे हैं अपने ऐप पे सबका टाइम टेबल बना दीजिए, जिससे हम लोगों का दिमाग में जो डिस्ट्रैक्शंस है वो कम हो जाएगा और हम लोग लग जाएंगे तैयारी करने में। टाइम टेबल की क्यों ज़रूरत है? दोस्तों आपको पता ही होगा कि पढ़ाई जो है वो बहुत बोरिंग होता है, इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत सारे कोशिश की जाती है। जैसे क्रिकेट में मैच जीतना हो या इलेक्शंस में आपको इलेक्शंस जीतना हो, इलेक्शंस में मतलब आपकी ज़्यादा सीटें लानी हो, तो सबके लिए रणनीति स्ट्रेटजी प्लानिंग बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो पढ़ाई तो बहुत कठिन है, बोरिंग है, सबका मन नहीं लगता है इस सब चीज़ों में। तो प्लानिंग बनाने से क्या होगा, आपका रिस्क रिड्यूस हो जाएगा और आपकी तैयारी ज़बरदस्त हो जाएगी। तो ज़बरदस्त तैयारी के लिए ही ये रूटीन बना के लेके आया हूँ। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न। एग्जामिनेशन पैटर्न में देखेंगे कि हिंदी का जो क्वेश्चन आता है 15 क्वेश्चन आता है और नंबर जो होते हैं 15 नंबर होते हैं। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 नंबर के होते हैं। हिस्ट्री के भी 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 नंबर के होते हैं। ज्योग्राफी के भी 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 नंबर के आते हैं। इकोनॉमिक्स का भी 15 क्वेश्चंस होते हैं, 15 नंबर के आते हैं। और जीके और करंट अफेयर, जीके और करंट अफेयर, जीके या करंट अफेयर कह सकते हैं, 15 क्वेश्चंस आते हैं, 15 नंबर के। पॉलिटिकल साइंस के 10 क्वेश्चंस आते हैं, 10 नंबर के। हम लोग टीबीआईटी स्टडी ऐप पे तो ये सारे जितने सब्जेक्ट्स हैं सबकी तैयारी करवा ही रहे। अब देखिए आपको टाइम टेबल में सबसे पहले 9 बजे से शुरू करना है। हम मान के चलते हैं कि 9 बजे से पहले आप नाश्ता कर लिए होंगे, टॉयलेट, नहाना धोना, जब जो भी फिजिकल क्लीनिंग है वो आप कर चुके होंगे। तो इंग्लिश हम स्टार्ट करेंगे 9 बजे से और 10:05 पे पढ़ेंगे। उसके बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक दिया गया है। ब्रेक इसलिए है थोड़ा सा फिजिकली टहले, क्योंकि मोबाइल में भी बहुत सारे एप्लीकेशंस खुल जाते हैं, उसी तरह पढ़ते वक्त दिमाग में भी बहुत सारे एप्लीकेशंस खुल जाते हैं और सबको एप्लीकेशंस को काटना पड़ता है, तभी जाके स्पीड जो मोबाइल के होता है वो तेज हो जाता है। उसी तरह आपके दिमाग में भी बहुत सारे एप्लीकेशंस खुल जाते हैं जब आप पढ़ाई करते हैं, तो उसको क्लियर करने के लिए 5 मिनट का रेस्ट है। उसके बाद हिंदी का शुरू करेंगे 10:10 से 11:15 तक हम लोग पढ़ाई करेंगे हिंदी का, 1 घंटा 5 मिनट। उसके बाद जीके या करंट अफेयर हम शुरू करेंगे 11:20 से और 12:30 तक पढ़ाई करेंगे। उसके बाद रेस्ट है 12:30 से लेके 3:30 तक, 3 घंटे का रेस्ट है। इसमें आप खाना खा के फिल्म देख सकते हैं, आपको आराम करना है, नींद आ रही है, खाने खाने के बाद आलस हो रहा है, तो उसके बाद आप रेस्ट कर सकते हैं 3 घंटा। उसके बाद हिस्ट्री जो आप शुरू करेंगे 3:30 से 4:35 तक। हिस्ट्री इंटरेस्टिंग होती है, जितनी भी चीज़ें जो सब्जेक्ट्स हैं आपके उसमें हिस्ट्री सबसे इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि कहानी सुनना सभी को पसंद होता है। तो कहानी सुनेंगे, कहानी पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बोरियत होगी, क्योंकि जब आप रेस्ट करेंगे तो मन नहीं करता है पढ़ाई करने का। तो रेस्ट के बाद तुरंत आप 3:30 से 4:35 तक, यानी 4:30 के आसपास आपको 1 घंटा 5 मिनट की तैयारी करनी है हिस्ट्री के। उसके बाद फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए और 5 मिनट ब्रेक लेने के बाद इकोनॉमिक्स शुरू कर दीजिए 4:40 से लेके 5:50 तक, आपको 1 घंटा भी इकोनॉमिक्स मिल गया। उसके बाद ब्रेक लीजिए शाम को 5:30 से लेके 6:30 तक, 1 घंटा घूमिए, टहलिए, मार्केट जाना है, बाजार जाना है, सब्जी लानी है, घर का काम है, जो भी कुछ करना है आपको, थोड़ा सा घूमना है, पार्क में एक्सरसाइज करना है, जिम करना है, जो भी करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इट, जस्ट डू इट। यू हैव टू टेक ब्रेक फ्रॉम 5:50 to 6:50, यानी 5:50 से लेकर 6:50 तक, सिंपली कह सकते हैं 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। ज्योग्राफी शुरू करेंगे हम लोग 6:50 से 7:55 तक। तो ज्योग्राफी जो होगा 1 घंटे का पढ़ाई आप करना होगा। उसके बाद फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिएगा दिमाग में जो एप्लीकेशंस खुल गए होंगे उसको क्लियर करने के लिए। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस हम शुरू करेंगे 8 बजे से और 9 बजे तक कंटिन्यू रखेंगे, 1 घंटे की पढ़ाई करेंगे। डिनर आप 1 घंटा कीजिए 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। डिनर करके बाद टहलिए ज़रूर, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। और जो डाइटिशियंस होते हैं, जो हेल्थ के एक्सपर्ट होते हैं, वो भी कहते हैं कि रात को खाना खा के ज़रूर टहलिए, चाहे आप रूम में क्यों ना टहले, बैठिए मत, ठीक है, बैठिए मत, तुरंत सोना भी नहीं चाहिए। तो डिनर करने के बाद आप टहलिए, आपको 1 घंटा सफिशिएंट टाइम दिया गया है। दोस्तों डिनर करने के बाद आपको 15 मिनट का एक्सरसाइज करना है। ये एक्सरसाइज 15 मिनट का क्या है, पहले 5 मिनट आपको मिलेंगे, ये जो 15 मिनट का जो एक्सरसाइज है, कितना बजे से ये देख लीजिए, 10 बजे रात से। तो 15 मिनट का जो ब्रेक है इसमें 5+10 है,
पांच मिनट आप उसको दीजिए जो आज आप पढ़े हैं, जो आज आप पढ़े हैं उसको पांच मिनट लिखिए किसी पेपर पे कि आज मैंने क्या क्या पढ़ाई किया। दस जो है दस मिनट उसको देने हैं कि कल को मुझे क्या पढ़ना है, इंग्लिश में, हिंदी में, जीके में, हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल साइंस में, मुझे क्या पढ़ना है कल, वो दस मिनट आपको देने हैं, ये कल के लिए देने हैं दस मिनट। और पेपर पे लिखना है, पेपर में लिखने से ये पता चलता है, रिसर्च कहता है कि पेपर पे अगर आप लिखेंगे, पेपर पे अगर आप लिखेंगे तो नेक्स्ट डे जरूर वो काम करेंगे। और सिर्फ दिमाग में आइडिया और दिमाग में सोच रखने से काम नहीं चलता है, क्योंकि वो एक्शन में कन्वर्ट नहीं होता है। एक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा, एक्शन में कन्वर्ट करना है तो उसको पेपर पे लिखना है। आज मैंने क्या पढ़ाई किया उसको पांच मिनट में लिखना है, उसके बाद जो बचे हुए दस मिनट है उसमें कल को क्या पढ़ना है वो लिखना है। इससे फायदा यह होगा कि कल को मुझे क्या क्या पढ़ना है वो आप पेपर पे नोट डाउन कर लेंगे, और पेपर पे जब नोट डाउन कर लेंगे तो आप कल जरूर वो काम करेंगे। और इसी तरह डेली आप रूटीन फॉलो कीजिए। अच्छा कंपटीशन निकालना है, अच्छा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। आपको भी पता है कि दुनिया में कोई भी चीज, अच्छी चीज हासिल करना हो उतना मेहनत करने की जरूरत होती है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों की अच्छी तैयारी के लिए ये रूटीन लेके आया हूं। ये रूटीन रामबाड़ की तरह काम करेगा, नीम हकीम की तरह काम करेगा, और आपको एक पढ़ने में मोटिवेशन लगेगा। इक्वल नंबर्स है सब सब्जेक्ट्स का, यानी इक्वल वेटेज है सारे सब्जेक्ट्स का, इसलिए इक्वली हमने सबको एक एक घंटा देने की कोशिश की है कि कोई भी सब्जेक्ट आपसे छूटे ना, और कोई भी सब्जेक्ट को ये नहीं समझना चाहिए कि इससे क्वेश्चंस नहीं आता। सबसे जब 15 नंबर लिखा है तो 15 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, और सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और एक नंबर से भी किसी किसी का कंपटीशन से रह जाता है, और एक नंबर से आप कोई कोई कंपटीशन पार भी कर जाता है। तो एक नंबर बहुत जरूरी है, किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है, और अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ना है तो आपको थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी, रणनीति बनानी पड़ेगी। कोई भी चीज में जीत हासिल करनी है तो प्लानिंग, रणनीति, जिसको स्ट्रेटजी बोलते हैं, ये करना बहुत जरूरी होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाले बहुत खुश होंगे और इस प्लान को रिलीजियसली फॉलो करेंगे। और ये 15 मिनट का जो स्ट्रेटजी मैंने बनाया है बहुत ही यूनिक है, कि आज मैंने क्या पढ़ाई किया वो लिखना है तो वो क्या होगा कि रिवाइज हो जाएगा, और पूरी आपको सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ टॉपिक लिखना है कि आज मैंने क्या पढ़ा, और 10 मिनट उसको देना है कि कल मैं क्या पढ़ूंगा। तो बिल्कुल आपका रूटीन बिल्कुल क्लियर हो गया, और आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले एंजॉय कीजिए। इसी तरह मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भी बनाऊंगा। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।